नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल किल तक बॉडी सिमाना पर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अशोक लेलैंड 3120। जी हाँ बिल्कुल, 10 टेरा गाड़ी जो लिफ्ट एक्स के साथ में आई हुई है उसका फुल रिव्यू आपको यहां पर हम दिखाने वाले हैं। क्या उसमें पासिंग मिलती है और क्या उसमें GVW है, पेलोड कितना है और किस पर्पस के लिए गाड़ी बनाई है, क्या उसका प्राइस टैग रहता है, तो चलिए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ अशोक लेलैंड की तरफ से यहाँ पर काउल गाड़ी भी आ रही है और कंपनी कैबिन, जैसे यहाँ पर कंपनी कैबिन जैसे ये कैबिन होता है वैसी ये गाड़ी आपको 2 मॉडल्स में आपको ये गाड़ी आ रही है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी में जो आपको इंजन मिल रहा है, एच सीरीज का BS6 कंप्लाइट इंजन आपको यहाँ पर मिल रहा है 6 सिलेंडर का iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ में। और जो गाड़ी आपको पावर दे रही है ना, 147 किलोवाट की पावर आपको यहाँ पर मिल रही है, 200 HP का गाड़ी में यहाँ पर इंजन है और टॉर्क जो आपको यहाँ पर दे रही है ये गाड़ी वो आपको यहाँ पर 700 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर गाड़ी में टॉर्क मिल जाती है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें ये गाड़ी स्पेशली यहाँ पर किस पर्पस के लिए बनाई है, ये गाड़ी मार के चलिए ऑयल टैंकर्स, मिल्क टैंकर्स और कंटेनर्स एप्लीकेशन में मार के एक साइड लोड खाली आता है, एक साइड लोड भरा आता है, उसके लिए ये गाड़ी यहाँ पर बनाई है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी का सेंटर वाला जो एक्सल है वो लिफ्ट हो जाता है, 12.5 टन की कैपेसिटी का ये एक्सल है ये लिफ्ट हो जाता है। उसके बाद पीछे वाला एक्सल है वो यहाँ पर ड्राइव एक्सल है, ज़्यादातर गाड़ियों में ये वाला ड्राइव एक्सल होता है, इसमें लास्ट वाला एक्सल ड्राइव है। मैंने आपको पहले वीडियो भी बनाई हुई है इस गाड़ी में, जो टाटा की अपनी गाड़ी आई थी 3118 उसका भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और अभी हम इस गाड़ी में यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 295/90R20 के टायर साइज मिल रहे हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी। अगर हम यहाँ पर फ्रंट एक्सल की बात करें तो जो फ्रंट एक्सल यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पर फॉर्ज आई सेक्शन रिवर्स इलियर टाइप ऑप्शन में यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स एंटी रोल बार्स के साथ में। और जो सस्पेंशन आ रही है फ्रंट में वो सेमी इलिप्टिकल मल्टी इलिप्टिकल और पैराबोलिक सस्पेंशन आपको यहाँ पर ऑप्शन में रह जाती है। और रियर एक्सल की बात करें तो यहाँ पर फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल प्लस ऑप्शन में यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग्स आपको मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो सेमी इलिप्टिकल विद हेल्पर स्प्रिंग्स, यहाँ पर हेल्पर स्प्रिंग्स आप साथ में देख सकते हो। और 3120 लेलैंड में जो लिफ्ट एक्सल दिया हुआ है वो यहाँ पर देखते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डबल एयर बैलून्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एयर सस्पेंशन में ये लिफ्ट एक्सल अप एंड डाउन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये लिफ्ट एक्सल अप एंड डाउन होता है और साथ में यहाँ पर बेंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी हुई है, जो शाफ्ट दी है ऊपर से यहाँ पर क्रॉसिंग दी हुई है शाफ्ट में। और मान के चलिए मेन काम है कि यहाँ पर जो सिमेट्रिक पैटर्न बनाया हुआ वो बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी है वो गाड़ी है 24 फिट की डेक लेंथ के साथ है, मान के चलिए 24 फिट की डेक लेंथ है। चेसिस फ्रेम है वो HSS मटेरियल से बहुत ही इंप्रूव डिज़ाइन में यहाँ पर बनाया हुआ है। सारे नट बोल्ट हैं वो बाहर की तरफ निकाले हुए हैं, अंदर से यहाँ पर क्रॉस मेंबर्स हैं उस पर रिवेटिंग का काम किया हुआ है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का यहाँ पर काम किया हुआ है फ्यूल टैंक में, 220 लीटर और 375 लीटर की कैपेसिटी का मिल जाता है। बैटरीज हैं वो 24 वोल्ट का यहाँ पर करंट है, दो बैटरीज 12-12 वोल्ट की आपको मिल जाती है। टीका को ऑप्शन है यहाँ पर, कट ऑफ स्विच यहाँ पर दी हुई है। और यहीं पर बात करते हैं गियरबॉक्स की, 6-स्पीड सिंक्रोमैश का यहाँ पर गियरबॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पर फुल एयर ड्यूल ब्रेक्स विद ABS एंड एग्जॉस्ट ब्रेक्स के साथ में आपको मिल जाता है। स्पेयर टायर में बहुत अच्छी बात है, साइड पर स्पेयर टायर माउंट कर दिया। बैक लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर LED बैक लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदुजा ग्रुप की यहाँ पर बैठी है। प्रेशर टैंक ये सारी गाड़ी में यहाँ पर बीच में कर दिए, बहुत ही सक्सेसफुल ये गाड़ी होने वाली है क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, उसी वजह से यहाँ पर लेलैंड में भी मार्केट में भी ये गाड़ी उतारी है, तो ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा बिकने वाली है। अगर हम प्राइस टैग की बात करें इस गाड़ी का, जो आज की डेट में जो प्राइस टैग आ रहा है वो 30 लाख के आसपास ये गाड़ी आपको चेसिस का दाम, काउल चेसिस का दाम आपको मिल जाता है। और यहीं पर बात कर रहे हैं DEF टैंक, 48 लीटर की कैपेसिटी का यहाँ पर DEF टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखते हो ATS सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, टोटली ये गाड़ी है वो BS6 कंप्लाइट की हुई है, BS6 का यहाँ पर इंजन है, 6 सिलेंडर का X सीरीज का यहाँ पर इंजन आ जाता है। और साइड पर यहाँ पर 2 फुटस्टेप भी आपको मिल जाते हैं। ABC पैडल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटली एक्सीलेटर इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। ब्रेक्स में आपको पहले ही बताया डुअल सर्किट ब्रेक्स है ABS के साथ में। और क्लच 380 mm डाई का सिंगल ड्राई प्लेट सिरेमिक क्लच विद एयर असिस्ट हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ आपको मिल जाता है। और यहाँ पर तो 3 इंच/2 इंच की यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, किलोमीटर पर आर RPM मीटर सब कुछ मिल जाता है। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में हैंड ब्रेक है, ब्लोअर का ऑप्शन रहता है,
और यहाँ पर गियर बॉक्स रहता है। मान के चलिए सीट्स काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइट ये गाड़ी डेट में होने वाली है। और इसमें मैं लोड आपको बता देता हूँ, पहले वाला जो एक्सल है वो 7 टन की कैपेसिटी का यहाँ पर आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर में जो लिफ्ट एक्सल कंपनी ने लगाया है उसके अगर हम लोड की बात करें तो वो 12.5 टन का आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम पीछे वाले एक्सल की बात करें तो 11.5 टन का पीछे वाला एक्सल रह जाता है, तो टोटल 31 टन। मान के चलिए जो पहले 10 टेरा गाड़ी आ रही थी उससे 10 टेरा से ये क्या ज़्यादा बेटर है, उसमें 28 टन की पासिंग मिल रही थी, इसमें 31 टन की पासिंग मिली है, 3 टन की पासिंग ज़्यादा है। जो मान के चलिए 25 KL के जो ऑयल टैंकर्स हैं या पेट्रोलियम टैंकर्स हैं उनके लिए वहाँ पे दिक्कत आती थी, उनका टैंक पूरी तरह मान के वो GVW क्रॉस नहीं कर पाता था, पेलोड इतना नहीं मिलता था। इसमें आपको इस गाड़ी में 3 टन का पेलोड एक्स्ट्रा मिल जाता है और दाम मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपये ज़्यादा है। जो आम 10 टेरा होती है वो 27 लाख 28 लाख के आसपास है, ये 30 लाख के आसपास गाड़ी पड़ जाती है। टाटा के मुकाबले ले लेने में आपको क्या ज़्यादा बेटर मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। 5 तरह के यहाँ पर व्हील बेसिस आपको यहाँ पर ले लेने में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यही बात है कि आज की डेट में ले लेने की ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिक रही है। और पीछे यहाँ पर चेसिस का एक बार यहाँ पर व्यू देखते हैं, कंस्ट्रक्शन चेसिस की बहुत ही ज़्यादा हैवी की हुई है। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। 3120 लेलैंड में जो लिफ्ट एक्सल दिया हुआ है वो यहां पर देखते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। डबल एयर बैलून यहां पर दिए हुए, एयर सस्पेंशन में ये लिफ्ट एक्सल अप एंड डाउन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये लिफ्ट एक्सल अप एंड डाउन होता है। और साथ में यहाँ पर बेंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी हुई है, जो शाफ्ट दी है ऊपर से यहाँ पर क्रॉसिंग दी हुई है शाफ्ट में। और मान के लिए मेन काम है कि यहाँ पर जो सिमेट्रिक पैटर्न बनाया हुआ है वो बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी है वो गाड़ी है 24 फिट की डेक लेंथ के साथ है, मान के चलिए 24 फिट की डेक लेंथ है। इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरह व्हील बेसिस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं।